नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी हमारी कंपनी का तरबूज लगा है युवान 10, उसके प्लाट पे आए हुए हैं और हमारे सभी कृषक बंधु आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी किसान भाइयों का, इतनी धूप में आप आए हैं तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे किसान भाई साथ में खड़े हुए हैं जिन्होंने हमारी कंपनी का युवान 10 तरबूज लगाया है, तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये बाड़ी उनकी कहाँ पे लगी हुई है और उनका परिचय थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम दुर्गेश यादव जी, ग्राम टिगरिया, तहसील हरसू, जिला खंडवा। जिला खंडवा जी। तो दुर्गेश भाई, ये कौन सी वेराइटी लगाई आपने? ये सीना सेट की है सर, युवान 10। युवान 10। तो इस युवान 10 को पहली बार आपने लगाया? पहली बार। अच्छा, दो तीन और अन्य वेराइटियां भी लगाई है, अपन किसी का नाम नहीं लेंगे जी। तो उनकी तुलना में आज अगर हम युवान 10 को अगर देखते हैं जी, तो युवान 10 की क्या पोजीशन है? अच्छी है सर, बढ़िया पोजीशन है, बहुत बढ़िया। तो अपन शुरुआत से बात करते हैं कि ये तो अभी फिलहाल में जो व्यू दिख रहा है, किसान भाइयों के हाथ में तरबूज भी रखा हुआ है। सबसे पहला जो आपने सीड डाला था, बीज, तो आपने नर्सरी लगाई थी या बीज डाला था? बीज डाला था। ये बीज डाला तो इसका अंकुरण कैसा रहा? अच्छा रहा सर। कितना उगा है बीज ये? वो तो 100% होंगे, 100% ही लगभग, बिल्कुल पूरे 95% से ऊपर की कहानी अपन बोल सकते हैं। आप 100% बोल रहे हैं तो उगने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत, उसकी वजह से आज देख सकते हैं पूरी बाड़ी पैक है, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता यही है। दूसरा, आप देखते हैं फल का लगाव कैसा लगा आपको? फल का लगाव का अच्छा है सर, सेटअप अच्छा है, अच्छा है बिल्कुल। कलर वगैरह, फ्रूट का जो कैप्सूल वगैरह है ये अच्छा है सर। और वजन कैसा, क्या बैठ रहा है? वजन सर 5 और 6 के समथिंग, 5 ऊपर ही है मतलब, 5-6 किलो के बीच में इसका वजन बैठ रहा है। और आज कितने दिन की हो गई है ये? लगभग 75 दिन की हो गई है बाड़ी। 75 दिन में आज हार्वेस्ट भी हो रहा है ये जी। मतलब यदि इसको हम और 1 हफ्ते लेट करते हैं तो शायद इसका जो वजन का रेशो है वो 7 किलो प्लस पे ये गाड़ी अपनी चली जाती। लेकिन ठीक है, मौसम को देखते हुए आपने अर्ली हार्वेस्ट कर रहे हैं जी। बाकी किसान भाइयों, आपको कैसी लग रही है वेराइटी? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 27,000 रुपये किलो से लेकर के 45,000 रुपये किलो तक का बीज इस बाड़ी के अंदर लगा हुआ है। उसमें 35,000 रुपये किलो का भी है, 27,000 रुपये किलो का भी और 45,000 रुपये किलो का भी है। तो आज आप लोगों ने जो बाड़ियां देखी है तो इसमें जो 45,000 रुपये किलो या 42,000 रुपये किलो वाला तरबूज है उससे अगर इसकी तुलना की जाए युवान 10 की, तो ये किस पायदान पे है? आपको कैसा लग रहा है? इससे बढ़िया है। मतलब मेरा आप लोगों को एक और इस वीडियो के माध्यम से, इस खेत के माध्यम से सभी किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं कि किसी बीज की कीमत ज़्यादा होने से इसका ये मैसेज नहीं है कि वो वैरायटी में बहुत ज़्यादा आपको उत्पादन मिलने वाला है। और हमारे व्यापारी भी यहां पे खड़े हुए हैं जो अभी 45,000 रुपये किलो वाले बीज को भर रहे हैं और ये युवान 10 10,000 रुपये किलो उससे कम कीमत का है। तो आपको युवान 10 में और उसमें क्या अंतर लग रहा है? सबसे पहले तो व्यापारी ने इसके वीडियो देख के खरीदा इसको, मार्वेल को तो अब वो साथ में है वैरायटी तो दोनों को खरीदना पड़ेगा। हाँ, पर युवान 10 की जो फोटो वीडियो है उसको ही देख के खरीद, उसको देख के ही खरीदा था। तो ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि क्वालिटी का अगर हम देखें, बेशक इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी टॉप क्वालिटी की है, पर बीज के रेट अगर जो बहुत सारी कंपनियां इस लेवल को लेकर के, और किसान के दिमाग में भी ऐसा है जो चीज महंगी है वो शायद ज्यादा अच्छी होगी, तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि बीज की कीमत पे ना जाइए, आप क्वालिटी को देखिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक ही प्लॉट के अंदर किसान भाई ने तीनों वैरायटी को लगाया, कोई मेड़ नहीं है, कोई दूसरा पानी का वाल नहीं है, कोई दूसरा ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है, लेकिन तीनों रिजल्ट अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो आपको जहां पैसा बचाने की आवश्यकता वहां पैसा बचाइए, लेकिन क्वालिटी आज आपके खेत में खड़ी हुई है तो आज आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको 45,000 रुपये किलो का ही लगाना था? नहीं नहीं सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पूरा यही लगाना था या वो लगा? पूरा यही लगाना था। जी, बहुत बढ़िया। और आप में से जो भी किसान भाई कुछ जानकारी देना चाहे वो बिल्कुल दे सकते हैं। मानला से पालीवाल जी आए, पालीवाल जी आप सहजला से है ना, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? बढ़िया है सर, मतलब मैंने अदर वैरायटी देखा, इसमें कैप्सूल साइज भी अच्छा है, कलर इसका कलर डार्क है और पाउडर वगैरह भी बढ़िया है, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है।
है ना, पोजीशन 75 दिन में बहुत बढ़िया है, 75 दिन के हिसाब से बहुत अच्छी है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी किसान भाई खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिले में, धार में तरबूज की खेती करते हैं, उन सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि आप नेक्स्ट टाइम पे यूवान 10 वेराइटी को आप अवश्य लगाएं। भरपूर उत्पादन इसमें मिलेगा। लगभग एक बेड के अंदर हमारे किसान भाई ने गिने थे तो कितने फल आ रहे थे, 500 फल आ रहे थे, जो छर्रियों को छोड़ करके। अगर हम 500 को 3 से गुणा करते हैं तो 5 × 3 = 15, लगभग एक बेड के ऊपर 15 क्विंटल, 1.5 टन माल लोड है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 28 बेड है या 30 बेड है, तो 30 बेड के हिसाब से भी अगर अपन देखेंगे तो आप समझ सकते हो कि 15 × 3 = 45, मतलब 45 टन इसके अंदर से माल निकलने वाला है। और ये स्थिति के हिसाब से शायद बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और आने वाले समय में मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करूंगा, आप युवान 10 लगाइए और भरपूर उत्पादन पाइए। धन्यवाद। कैसा देवेंद्र भाई? बहुत मीठा है। बढ़िया मीठा है, मस्त रसीला।